नौकरी का झांसा देकर बेरोजगारों को ठगने वाले गिरोह के सरगना को वाराणसी की एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने सरगना रवि कुमार यादव को वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र से उस समय गिरफ्तार किया जब वो पार्क में सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से मुलाकात के लिए आया था। इसी दौरान एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए फर्जी सैनिक के पास से सेना की नकली मुहर, जाली दस्तावेज और सेना की नकली आईडी की कॉपी भी बरामद की गई। एसटीएफ के मुताबिक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का सरगना रवि कुमार यादव कई युवकों से ठगी कर चुका है। इसके बाद एसटीएफ ने ठगी का शिकार हुए युवकों से मुलाकात की और मामले में एसटीएफ को आरोपी में पता चला। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर पता चला है कि वो मिर्जापुर का मूल निवासी है। हाई स्कूल करने के बाद उसने सेना में भर्ती का काफी प्रयास किया लेकिन हर बार उसे नाकामी ही हाथ लगी। इसके बाद से उसने बेरोजगार युवकों से ठगी करने की योजना बनाई और इसी योजना के तहत ये भारतीय सेना की वर्दी पहनकर घूमता था। आरोपी खुद को भारतीय सेना में क्लर्क तो किसी को सेना अधिकारी बताकर ठगी करता था। फिलहाल एसटीएफ ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।